हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। ये तो आप सब जानते ही हैं कि 2 जून को सिनेमाघर में विकी कौशल और सारा अली खान की जोड़ी में बनी मूवी ज़रा हटके ज़रा बचके मूवी सिनेमाघर में रिलीज़ हुई थी। आज इस मूवी को सिनेमाघर में रिलीज़ हुए 38 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये मूवी स्टिल अभी तक भी बहुत ही अच्छी बॉक्स कलेक्शन कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कम बजट में बनने वाली मूवी भी इतनी ज़्यादा बॉक्स कलेक्शन कर सकती है। इस मूवी को ऑडियंस की तरफ से शानदार रिस्पॉन्स मिला है, जिसकी वजह से ये मूवी बॉक्स कलेक्शन पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 38 दिनों में इंडिया से और वर्ल्ड वाइड में कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली है और इस मूवी का बजट क्या था। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। जरा हटके जरा बचके मूवी में विकी कौशल और सारा अली खान लीड रोल में देखने को मिले। ये एक कपल की मूवी थी जिसमें दिखाया जाता है कपल जो जॉइंट फैमिली में रहता है, वो अपने लिए अलग घर खरीदना चाहता है। उसे अलग घर खरीदने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, ये सब इस मूवी में दिखाया जाता है। अगर ओवरऑल बात करें इस मूवी के बारे में तो ये मूवी एक फैमिली इंटरटेनिंग एंड लव स्टोरी मूवी है। अगर बात करें इस मूवी के पहले 28 दिनों की इंडिया वर्ल्ड बॉक्स कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 28 दिनों में इंडिया से 82 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 28 दिनों में वर्ल्ड वाइड 108 करोड़ की बॉक्स कलेक्शन कर ली थी। अगर बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट था 40 करोड़। अगर बात करें इस मूवी के 37वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने अपने 37वें दिन 47 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इस तरह इस मूवी ने अपने 38वें दिन 53 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। अगर बात करें इस मूवी के पहले 38 दिनों की इंडिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो जरा हटके जरा बचके मूवी ने पहले 38 दिनों में इंडिया से 87 करोड़ 47 लाख की नेट कलेक्शन कर ली थी। इस तरह इस मूवी ने पहले 38 दिनों में वर्ल्ड वाइड 114 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली थी। इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और इस मूवी ने पहले 38 दिनों में 114 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर ली और ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।